बिरमू से खबर है, सुभाष नगर में यहां पर मंजीत पात्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का मानना है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करवा दी थी। आरोपी पत्नी समेत चार लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर बिरमू से, जहां पर पत्नी ही अपने पति के हत्यारण निकली है, अपने चार साथियों के साथ मिलकर उसने और प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतारा है। अगल बगल से इसके जानकारी लिया गया और इसकी पुष्टि हुई कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था, और इसके आधार पर फिर जो मृतक की पत्नी को, जिसका नाम है रेणुका देवी, उसको उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर वो अपना अपराध जो है स्वीकार की और बताई कि इसमें करण के साथ उसका प्रेम संबंध था और अपने पति को करण से शादी करने के लिए, अपने पति को उस रास्ते से हटाने के लिए करण के साथ जो है वो बैठ कर के साजिश रची, जिसमें इस साजिश में विनोद भुइया, राहुल और राजू डोम का जो भाई, राजू डोम मतलब करण का भाई राजू डोम, वो और चंदन। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, मंजीत पात्र की हत्या कब हुई थी, ताकि दर्शक समझ पाए, और इनको पकड़ा कैसे पुलिस ने, कैसे इन तक पहुंची, आरोपियों तक पुलिस? पंकज, मैं बता दूं कि बीते तीन से चार दिन पहले मंजीत पात्र की हत्या गांधीनगर थाना क्षेत्र के बारीग्राम के नजदीक ग्राउंड में हुई थी, और उसमें मंजीत पात्र की के औरत का एक नाजायज संबंध था और उसी संबंध को बरकरार रखने के लिए और मंजीत पात्र की औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी दी दो लड़कों को, करीब 2 लाख रुपए की सुपारी दी, और जिसके बाद वो लोग घात लगाकर मंजीत पात्र की हत्या 3 दिन पहले करीब रात में कर देते हैं कुल्हाड़ी से मारकर। जी पंकज, तो चंदन पुलिस कैसे पहुंची कि पत्नी ही इसमें शामिल हो सकती है हत्या में, पुलिस ने कैसे तलाशा? पुलिस इसमें मुख्य सहायक बना दोनों प्रेमी और मंजीत की पत्नी का मोबाइल, जिस मोबाइल ट्रैकिंग से वो लोग आपस में जुड़े थे और हत्या के दिन भी बातें हुई थी, जिसको लेकर पुलिस खंगालते और एक गुप्त तरीके से छापेमारी कर धीरे धीरे उसके सुराग तक पहुंची और एक एक करके सभी हत्यारों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी चलिए चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जानकारी आपने दी और बताइए किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, बहुत ही शानदार तरीके से इन हत्या के पीछे के तमाम लोगों को अब गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। शुक्रिया चंदन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।